हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। मोटापा हर एक्ट्रेस के लिए एक अभिशाप होता है, परंतु यह पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जिनके लिए मोटापा वरदान था। इन्हें किसी भी कीमत पर इस मोटापे को कम करने की आज़ादी नहीं थी और बाद में उन्हें इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। 90s के जनरेशन को भले इस एक्ट्रेस का नाम पता हो ना हो, पर वो इनके फेस एक्सप्रेशन और इनकी कॉमिक टाइमिंग को भली भांति पहचानते थे। मैं बात कर रही हूँ एक्ट्रेस गुड्डू मारुति की, जिन्होंने 80s और 90s की फिल्मों में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी थी, जैसे कि खिलाड़ी, शोला और शबनम, आशिका आवारा, बीवी नंबर वन, दूल्हे राजा। एक और जहाँ मेल कॉमेडियन में जॉनी लीवर बहुत फेमस थे उस समय, वहीं पर गुड्डू मारुति फीमेल कैटेगरी में अपना अलग ही अंदाज बिखेर रही थी। 1961 में फिल्मी परिवार में जन्मे गुड्डू मारुति का असली नाम ताहिरा परब है। इनके पिता मारुति राव परब एक फिल्म डायरेक्टर और कॉमेडियन एक्टर थे, जबकि माँ एक एक्ट्रेस। उनके पिता ने कई सारी फेमस फिल्में डायरेक्ट की है और इन्हीं फिल्मों के शूट के दौरान वो ताहिरा को, यानी कि अपनी 4 साल की बेटी को भी सेट पर ले जाते थे। एक दिन उन्हें एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत पड़ी और उन्हें इस रोल में कास्ट करने के लिए अपनी बेटी का ख्याल आया। महज 4 साल की उम्र में ताहिरा को एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। ताहिरा को घर में सब प्यार से गुड्डी बुलाते थे और सेट पे भी सब लोग उनका नाम गुड्डी ही जानते थे, इसलिए इस फिल्म के बाद उनका स्क्रीन नेम गुड्डी मारुति ही पड़ गया। फिर गुड्डी धीरे धीरे बड़ी होती गई और 14 साल की उम्र में उन्हें एक और फिल्म का ऑफर आया। इस फिल्म में जो एक्ट्रेस पहले कास्ट की गई थी वो भी बल्की बॉडी की थी, पर बाद में उन्होंने अपना वेट लूज कर लिया था, जबकि डायरेक्टर को एक बल्की बॉडी वाली ही एक्ट्रेस चाहिए थी, इसलिए यह रोल अपने हैवी बॉडी फिगर के कारण गुड्डी को मिल गया। फिल्म का नाम था 100 दिन सास के। गुड्डी मारुति को जहां उनके मोटापे के कारण फिल्म के रोल ऑफर हो रहे थे, वहीं स्कूल में उन्हें इस मोटापे के कारण बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था। उन्हें स्कूल के बच्चे अक्सर मोटी या फिर किस चक्की का आटा खाती हो जैसे ताने दिया करते थे। गुड्डी परेशान होकर अपना वजन घटाने के बारे में सोचने लगी, लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें समझाया कि वो एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक कॉमेडियन है, इसलिए वो अपने शरीर पर शर्मिंदा होने के बजाय उस पर हंसना सीखे। गुड्डी मारुति ने उस वक्त तो बेबसी में अपने पिता की बात मान ली थी, लेकिन यही मोटापा उनके घर चलाने का जरिया बन जाएगा ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उनकी फिल्म 100 दिन सास के आने के 1 साल बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। अब गुड्डी को घर चलाने के लिए काम करने की सख्त आवश्यकता थी और पिता के नाम के कारण उन्हें काम मिल भी रहा था, लेकिन चूंकि वो अपने मोटापे के कारण फिल्मों में पॉपुलर हो रही थी, तो उन्हें हर डायरेक्टर जैसे ही साइन करता वो उन्हें मोटापा कम ना करने को कहता। उन्हें फिल्मों में जितना भी काम मिलता वहाँ उन्हें वजन कम करने की इजाज़त नहीं थी। अगर वो वजन कम करने के बारे में बात भी करती तो डायरेक्टर पैनिक हो जाते, लोग उन्हें फिल्मों में काम देने से पीछे हटने लगते। हालांकि कई लोगों ने उन्हें वजन कम करने की सलाह दी ताकि उन्हें लीड एक्ट्रेस का रोल मिल सके, लेकिन काम करते करते गुड्डी को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर वो वजन कम करती हैं और एज ए एक्ट्रेस नहीं चली तो वो इंडस्ट्री से बाहर हो सकती हैं। खुद से पहले भी उन्होंने एक दो एक्ट्रेस का ऐसा हाल देखा था, इसलिए उन्होंने अपनी कॉमेडी को ही जारी रखने का फैसला किया। उनका ये फैसला काफ़ी हद तक सही भी था। भले ही वो एक साइड एक्ट्रेस थी, पर उन्हें दर्शकों द्वारा फिल्म में नोटिस भी किया जाता था और लोगों के जहन में वो वही इमेज के साथ बस गई थी जो वो कर रही थी। गुड्डी मारुति ने 90 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। बाद में उन्होंने टीवी ज्वाइन कर लिया। टीवी में भी वो बहुत पॉपुलर रही। टीवी में उनके फेमस सीरियल्स थे इधर उधर, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, डोली अरमानों की, लेकिन टीवी उन्हें बहुत दिनों तक रास नहीं आया। टीवी में उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि सेट पे उन्हें ज़्यादा मूवमेंट करने को नहीं मिल रहा था, जिससे उनका हेल्थ वापस से गेन हो रहा था। उन्होंने बाद में थिएटर ज्वाइन कर लिया। गुड्डू मारुति आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उन्होंने बिजनेसमैन अशोक से शादी की। मोटापे ने भले ही गुड्डी मारुति को फेम और करियर दिया था, लेकिन इसी मोटापे ने उनके जीवन से एक बहुत बड़ी खुशी छीन ली थी। वो कभी माँ नहीं बन पाई। गुड्डी मारुति के परिवार में उनकी 2 बहनें हैं और 1 भाई है। उनका भाई 1997 में डॉन छोटा शकील के हमले में मारा गया था। गुड्डी मारुति आज भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपने लाइफ के कई सारे मोमेंट्स अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।